नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बात करेंगे यहाँ पे एमपी हाई कोर्ट भर्ती 2022 में बिना परीक्षा के आप यहाँ पे नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। एवं यहाँ पे जो सैलरी रहने वाली है दोस्तों, सैलरी 15,000 से 30,000 रुपये प्रति माह होने वाली है। तो दोस्तों, यह वैकेंसी किस तरीके की रहने वाली है आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अगर नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों पर भी शेयर करें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं एमपी हाई कोर्ट भर्ती 2022 में बिना परीक्षा के भर्ती यहाँ पे रहने वाली है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं एमपी हाई कोर्ट भर्ती कार्यालय शासकीय समापक उच्च न्यायालय इंदौर मध्य प्रदेश द्वारा संविदा के आधार पर यहाँ पे भर्ती की जानी है। इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिक्विडेशन सहायक और आशुलिपिक के पदों पे यहाँ पे भर्ती की जाएगी। एमपी हाई कोर्ट भर्ती में यहाँ पे दो पद के उसमें भर्ती की जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो एक सेट बना करके अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ 8 अप्रैल 2022 तक नीचे दिए गए पते पर आपको भेजना है। तो इस पते का जो एड्रेस है दोस्तों, आपको हम वीडियो में लास्ट में बताने वाले हैं। इस फॉर्म को किस तरीके से आपको भरना है यह भी आपको हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें, पूरा वीडियो देखें। एमपी हाई कोर्ट भर्ती 2022 में जो भर्ती है, स्कूल का जो नाम है, यहाँ पे पद का जो नाम है कार्यालय शासकीय समापक उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा यह वैकेंसी को जारी किया गया है। यहाँ पे पद का जो नाम है लिक्विडेशन सहायक और आशुलिपिक की यहाँ पे भर्ती की जाएगी। सैलरी यहाँ पे 25,000 से 30,000 रुपये प्रति माह रहने वाली है और आशुलिपिक की 15,000 रुपये प्रति माह रहने वाली है। आवेदन जो है ऑफलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। नौकरी का स्थान यहाँ पे मध्य प्रदेश रहने वाला है। फ़ोन नंबर यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा यह फ़ोन नंबर, इसकी पूरी डिटेल्स। एमपी हाई कोर्ट भर्ती 2022 में जो हिंदी डिटेल्स है यहाँ पे, शैक्षणिक योग्यता जो रहने वाली है दोस्तों, यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल पास या कंपनी सिक्योरिटी प्रोफेशनल पास आपके पास होना चाहिए। आशुलिपिक में ग्रेजुएशन पास एंड 80 वर्ड प्रति मिनट की गति से आपको टाइपिंग आनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे दो पद है, दोनों पद के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी अलग अलग देखने के लिए मिल जाएगी। आवेदन फीस यहाँ पे दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय पचमढ़ी भर्ती फॉर्म निःशुल्क है। यहाँ पे जो निःशुल्क फॉर्म के द्वारा आप भर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण लिंक जो है, महत्वपूर्ण दिनांक है एमपी हाई कोर्ट का, यहाँ आप आवेदन कर सकते हैं। 8 अप्रैल 2022 तक के आवेदन भेज सकते हैं ईमेल के माध्यम से, एंड वहाँ जाकर भी आप जमा कर सकते हैं। तो चयन प्रक्रिया किस तरीके से रहने वाली है दोस्तों, उम्मीदवारों को चयन के बारे में विज्ञापन स्पष्ट नहीं दिया गया है। ऊपर दिए गए फ़ोन नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। यह विज्ञापन भर्ती 2 वर्ष के लिए पूर्णतः संविदा के आधार पर होगी। तो दोस्तों, अगर यहाँ वैकेंसी जो है सिर्फ 2 साल के लिए आपको यहाँ पे जॉब देने वाली है। एमपी हाई कोर्ट भर्ती यहाँ पे होने वाली है। सबसे पहले आपको यहाँ अपना बायोडाटा का फॉर्म प्रिंट आउट निकालना है, एवं बायोडाटा फॉर्म भरकर साथ ही अपने दस्तावेजों को फोटो कॉपी लेकर के इंटरव्यू वाले दिन विद्यालय में उपस्थित हो सकते हैं आप। यहाँ पे फॉर्म भेजने का जो कार्यालय शासकीय समापक उच्च न्यायालय प्रथम तल ओल्ड CI एवं भवन GPO के सामने रेडी रेडी रेसिडेंसी एरिया इंदौर में आप जा सकते हैं। इस जगह में आपका इंटरव्यू होने वाला है एंड आप कॉल करके यहाँ पे बात भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ईमेल आईडी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और इस ईमेल आईडी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं साइड प्रोवाइड कर दिया हूँ। आप वहाँ से जाके इस ईमेल आईडी में अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैं वेबसाइट ओपन किया हूँ, यहाँ पे इस वेबसाइट में आपको इस तरीके से आ जाना है। वेबसाइट की लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एमपी हाई कोर्ट की पूरी डिटेल्स। आप रेड मोर करके यहाँ पे कॉल
करके बात कर सकते हैं एंड पूरी डिटेल्स भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाएगी एंड यहाँ पे आपको ईमेल आईडी के माध्यम से फॉर्म को सबमिट करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, फिर मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ एंड नए अपडेट के साथ। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, इसी तरीके से नई नई अपडेट आपके लिए हम लाते रहते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ वेबसाइट में आएंगे ही जैसे, तो यहाँ पे आपको होम में आ जाना है। होम में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे थ्री डॉट्स दिखेंगे, थ्री डॉट्स पे आना है एंड यहाँ पे आपको फॉलो अप कर लेना है, जैसे कि मैंने अभी फॉलो अप कर चुका हूँ। एंड यहाँ पे आपको यह अनफॉलो अप करने के लिए ऑप्शन दे रहा है, जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे आप फॉलो अप कर लेंगे तो फॉलो आप हो जाएंगे, हमारी वेबसाइट से लिंक हो जाएंगे। जब भी हम नया अपडेट लाएंगे तो आपको यहाँ पे अपडेट मिलते रहेगा हर हमेशा। तो दोस्तों जय हिंद।